नाम रेडिक टेगरोव उर्फ वोल्गा मैनियक, उम्र 38 साल, जुर्म 26 औरतों का हत्यारा। रशियन पुलिस ने इस शख्स को शिकंजे में लेने के बाद ये दावा किया है कि लंबे समय से वो जिस सीरियल किलर को पकड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे वो उनकी गिरफ्त में है। ये तस्वीर देखिए, नीली आंखों वाला ये शख्स है रेडिक टेगरोव, जिसे 26 महिलाओं के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा रिवर के पास के इलाके में साल 2011 से 12 तक लगातार औरतें गायब होने लगी। महिलाओं का शव अचानक ही मिलने लगा, जिसके बाद पूरे शहर में दहशत फैल गई। लगातार होती ऐसी वारदात के बाद शहर में वोल्गा मैनियक नामक एक सीरियल किलर का नाम प्रचलित हो गया, जिसकी जांच में पुलिस जोर शोर से लग गई। साल 2012 के बाद औरतों के शव मिलना बंद हो गए, लेकिन फिर भी पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लगी रही। फिर साल 2020 में जब एक लगभग 70 साल की बुजुर्ग महिला का कत्ल हुआ, तब डीएनए जांच से ये हत्यारा पुलिस के हाथ लगा। और फिर जब इसकी सारी डिटेल निकाली गई और तो और 10,000 जेनेटिक टेस्ट के बाद ये पता चला कि ये वही साइको किलर वोल्गा मैनियक है, जो साल 2011 से 12 तक रूस में दहशत का नाम था। इस साइको ने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को बताया कि इसे याद तक नहीं कि इसने सबसे पहले किस बात पर किसी का कत्ल किया था। पुलिस के पूछने पर इस सन के दरिंदे का कहना था कि इसे बस अधेड़ उम्र की औरतों को मारना पसंद था और ये हमेशा गला दबाकर ही उनका कत्ल किया करता, क्योंकि वो सबसे आसान और कम समय लगने वाला तरीका होता है।